अस्सलाम वालेकुम केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम, पूरे टीआरएस पार्टी के जितने लीडर्स हैं सबको हमारा सलाम। मैं डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ साहब। सर, पार्टी में काम करते करते 10 साल हो गया सर, हमारे साथ भी काम करने वाले पर बेचारे 8वां चलाने वाले थे। पार्टी में साहब अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली सर। आप मैं आपसे केटीआर साहब, केसीआर साहब, हरीश राव साहब, आप लोगों से मेरी भी मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ सर। आप सर डिवीज़न जो प्रेसिडेंट रहता है साहब, आप उनकी आवाज़ भी सुनिए सर। इसीलिए कि आप इंचार्ज को बोल देते हैं, इंचार्ज कोई इंचार्ज अच्छा काम करने वाला है, कोई इंचार्ज अच्छा काम करने वाला नहीं है सर। उन्होंने गए तो भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, लेकिन पार्टी में काम करते करते 10 साल हो गए सर। कई ऑटो चलाने वाले कुछ बहुत लोग हैं हमारी पार्टी में जो टीआरएस पार्टी में काम करे हुए लोग हैं। सुनिए सर, आज तक लोगों को हेल्प नहीं मिला सर। हम सोचे थे लोगों को, भाई तुम लोग ऑटो चलाते, आप लोगों को ऑटो तो भी मिलेगा या डबल बेडरूम तो भी मिलेगा। केसीआर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देखो गरीब माँ बहनों को वजीफा दे रहे, शादी मुबारक के पैसे दे रहे, डिलीवरी हो गई तो किट दे रहे केसीआर साहब, रमज़ान आ गए तो रमज़ान का किट दे रहे। फिर केसीआर साहब लोना भी जो है कारोबार करने वालों को लोना भी देने वाले हैं। आप लोगों को भी अपन क्या पार्टी में काम करते, पार्टी में काम करने वालों को तो केसीआर साहब ख्याल करेंगे, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम सब पार्टी में। हम लोग दिलोजहाँ से 10 साल से काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर। काउंसलर इलेक्शन सर, बल्दिया इलेक्शन के अंदर मैं डिवीज़न प्रेसिडेंट हूँ साहब। वो लेडीज़ जो है यहाँ की नहीं होती लेडीज़, वो घर में काम करने वाले, जिसके घर में काम करती थी उसको लेके आके सीट दिला दिए साहब, इंचार्ज साहब सीट दिला दिए। तो उनको नहीं ये कर रहे थे साहब, उन्होंने रहते कहाँ की बुड्डी मलकापुर में, कहाँ से इलेक्शन लड़ते बोले तो मेरे को सपोर्टर बोल के ले आके दे दिए सर। बल्दिया ऑफिस में जो है लकड़ी का पुल पे मेरा पेपर लिखा हुआ है साहब, मेरे घर के नंबर के संगत ग्रीन पेन की साइन भी है सर मेरी फ़ोटो के ऊपर, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। वो पार्टी के आए लोग बैठे सर ऑफिस में बैठे, मेरे घर में ऑफिस थी, ऑफिस में बैठे, मैं डिवीज़न प्रेसिडेंट हूँ। आए 2 दिन बैठे, 2 पानी के वो मंगाए साहब। घर ग्यार्डर जब काम करता ना साहब, ग्यार्डर को भी पूछना चाहिए ना साहब। ग्यार्डर को तो कुछ भी नहीं करे साहब, 2-3 दिन बैठी औरत लेडीज़, 2-3 दिन बैठी बैठने के बाद में जो है वो लेडीज़ निकल के चले गई। मैं क्या करा, मेरी बच्चे की शादी थी, इलेक्शन पहले था, शादी 2 दिन के बाद में थी सर। मैं क्या करा, पार्टी में तो काम करना है भाई, पार्टी को तो नहीं छोड़ सकते, 10 साल से काम कर रहे, डिवीज़न प्रेसिडेंट है हम लोगों को तो केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम साहब की सूरत देख के तो करना है। आज नहीं तो कल इसका मुआवजा मिलेगा। केटीआर साहब के पास से भी आदमी आए थे, आप लोग मेहनत करो, इंशाल्लाह ये रिपोर्ट पूरी केसीआर साहब के पास जा रही, आप लोग दिलो जहाँ से मेहनत करो। उन्होंने देख लिया, इंचार्ज को फ़ोन करा, इंचार्ज फ़ोन नहीं उठाया, इंचार्ज कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। बोला 2-3 दिन आए हम, केटीआर साहब के आदमी अभी 2-3 दिन आए, उसके बाद में नहीं आए सर। मैं 1.5 लाख में जो है सर घर रहन रखा दिया, मेरा घर रहन रखा के लाइटा लगाए, जितना भी करना था सर पार्टी में, कभी भी केसीआर साहब जो भी काम करते गरीबों को खाना वाना खिला के करके काम करते सर। हम भी वही नज़रिए से क्या करें, खाना वाना खिलाए खिला के करके जो भी है हो सकता सर। पार्टी बोले तो, इलेक्शन बोले तो ज़्यादा होता सब, आपको मालूम है इलेक्शन में क्या क्या होता। जितना करना था हम कर लिया साहब, जो भी होना था हो गया, जो घर में रहन रखा दिया वो 2.5 लाख रुपए जाके 5 लाख हो गए सर। हम ये सोच रहे साहब आज हो जाएगा, कल होगा, परसोंगा, नहीं हुआ। अब पार्टी में काम करने वाले भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सका तो हमारा क्या होता। अब तो पार्टी के इलेक्शन हार गई, मैं बोला इलेक्शन हारी कैसा हारी, कुछ लोग सही काम नहीं करे। केसीआर साहब तो इलेक्शन हारने का इलेक्शन नहीं है, केसीआर साहब तो गरीब माँ बहनों को वजीफा दिए, शादी मुबारक के पैसे दिए, ऑटों के टैक्सा माफ़ कर दिए, हर चीज़ करे केसीआर साहब आप लोगों को, पानी तक फ्री कर दिए आप लोगों को, बच्ची की शादी हो गई तो पैसे दे रहे, डिलीवरी हो गई तो पैसे दे रहे,
सब कर रहे, बीच वाले अगर कुछ नहीं करे भाई तो केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब तक तो हमारी आवाज़ पहुँच रही नहीं, हम पहुँच सकते नहीं। इसीलिए मेरी एक गुजारिश है केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम, जितने भी सुन रहे साहब, जितने डिवीजन प्रेसिडेंट रहते हैं साहब, उन लोगों के बारे में उन लोगों को बोलने का मौका दीजिए साहब कि आपके एरिया में क्या काम हो रहा, क्योंकि आप बड़े हैं, सरपरस है, आप लोगों को, आपको मालूम है सब कुछ करना क्या है क्या नहीं करना है सर। आज पार्टी छोड़ के लोग चले जा रहे, कहीं को जा रहे साहब, बोलिए आप, उन लोगों के दिल में खोट है। जो केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब जब इतने अच्छे कामा करे, घर डाला तो कौन जाते साहब, पहले चूहे भाग जाते, घर वाला तो सामान सहित लेने में मर जाता हूँ, जल के मर जाता हूँ भाई। सुने साहब, साहब जो जो नए हैं, जो मेहनत करे हुए, 10-10 सालों से मेहनत करे हुए सर, जो अच्छे आदमी आए, आप इंक्वायरी करके उन लोगों को भी चांस दीजिए साहब, उनके बारे में भी सुनिए। हम एक ऑटो चलाने वाला शाहरुख बोल के था, उसका कैंसर से इंतकाल होगा सर, आज उसके बीवी बच्चे परेशान हो गए। पार्टी में जितने ग्यारह में काम करने वाले हैं सब परेशान हैं, जो इंसान की तबीयत ख़राब हो गई थी, कैंसर से इंतकाल होगा साहब उसके, आज उसके बीवी बच्चे पूरे रोड पे हो गए। आप लोगों से गुजारिश है सर, हमारे लिए कुछ नहीं करे, नहीं करे, हमारा घर भी गया तो कोई गम की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे काबिल है, मेरी भी 60 साल की उम्र है साहब, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं वेल्डिंग का काम करता था, खैर मेरा कारखाना वारखाना सब कुछ चलेगा, मैं फिलहाल घर में बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है कारोबार वारोबार में, कुछ भी नहीं हूँ मैं, मेरे बच्चे जो भी है कमा लेते हैं, दो वक्त का खाना डाल देते, बस खा लेके अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते बैठे हुए सर, बच्चे अच्छे हैं बोल के ज़िंदगी गुजर जा रही। लेकिन जो बेचारा कैंसर से मर गया के सर साहब, उसके लिए कुछ मदद करिए सर, आप लोग लीडर थोड़े थोड़े भी पैसे करके वो पाप बेचारे की मदद कर दिया तो हो सकता सर उसका गरीब की दुआ लग जाए आप लोगों को सर। सुने सर, बहुत मेहनत करा पा बेचारा, 10 साल मेहनत करा सर, ऑटो चलाता था, ना उसका घर किराए का है, ना ऑटो जाती था उसका, लेकिन पार्टी में आके काम करता था सर, एक भरोसा था उसको कि हमारे यीशु भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, कि पार्टी के लोग कुछ ना कुछ करेंगे हेल्प। लेकिन इंचा साहब जो है उन्होंने नहीं सोचे किसी के बारे में। सुने सर, तो इसलिए पार्टी जो है सो ये हो गई। आप भरोसा करें साहब, बड़े लोगों पे भरोसा करें आप, केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, मैं खुला बोल रहा, मेरी एडवाइस है सर, मैं टीआरएस पार्टी का मैं भी मेंबर हूँ, हम लोग मरे दम तक तो झंडा छोड़ने वाले नहीं है साहब, टीआरएस पार्टी में ही रहते, मर भी गए तो हमको करोड़ों रुपये भी दिए तो हमको नहीं होना। हमारी टीआरएस पार्टी गरीबों की पार्टी है, बेवा माँ बहनों के लिए बहुत कुछ करी केसीआर साहब, वो माँ बहना दुआई देते, कहीं भी मिले तो करे तो हमको उतनी मोहब्बत ही काफ़ी है। हमारा वीडियो बनाइए आप तक पहुंचना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, रमज़ान है तो भी लोग याद करे, गरीब माँ बहना क्या भाई, केसीआर साहब रहे तो हमको किट देते थे, दुआ दे रहे लगा, हमारे को वजीफ़ा मिल जाता था, हमारे बच्चों के शादियाँ हो गए तो पैसे मिलते थे, हमारे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी, केसीआर साहब एक बड़े बेटे के जैसे थे हमारे वास्ते। फिर आते हैं माँ, कुछ भी नहीं, कभी धूप कभी छांव तो लगी हुई है। आई कांग्रेस की हुकूमत, उसको भी मौका दे मिल दिया है अल्लाह ताला, उनको भी मौका दिए, केसीआर साहब के तरफ से भी मौका मिल गया, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो फिर अच्छा हो जाएगा, फिर आएंगे केसीआर साहब, जीतेंगे केसीआर साहब, दिलों का जानने वाला तो ऊपर वाला है ना सर, गरीबों की दुआ खाली नहीं जाती सर, कोई भी गरीब की बददुआ और दुआ कभी खाली नहीं जाती सर, दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना है सर, कोई भी इंसान कुछ भी नहीं लेके जाता सर, 4 दिन की दुनिया है, 100 साल का सामान बन रहे लोग बोला, अपना घर भर के पार्टियां छोड़ के चले जा रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है सर। पार्टी तेलंगाना लेके आने के टाइम पे आप अकेले मेहनत करके तेलंगाना को लेके आए, अपनी जान की बाजी लगा दिए, हर गरीब माँ बहन की दुआ है आप गरीबों के बारे में अच्छा सोचें, केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम अच्छा काम करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, आप गरीब लोगों के बारे में सोचिए सर। ये पा बेचारा एक 2-3 जने ऐसे है साहब गरीब है पा बेचारे लगा, उनके लिए कुछ करिए सर, हमारे लिए कुछ नहीं करे तो नहीं करे, हमारा घर भी गया तो कोई गम की बात नहीं है, आज नहीं तो कल मेहनत करे, बिल्डिंग का काम करते कारखाना है, आज नहीं तो कल डालेंगे सर, इतनी बड़ी हुकूमत चले गई
तो हिम्मत हारने का तो नहीं है ना सर, हिम्मत हारने वाला तो जी नहीं सकता दुनिया में। मेरी KCR साहब से, KTR साहब से, हरीश राव साहब से, पूरे TRS पार्टी के जितने अच्छे लोग काम करने वाले TRS पार्टी के अंदर, सबसे मेरी गुजारिश है इस चीज़ की कि साहब उसकी मदद कीजिए। कैंसर से इंतकाल हो गया, उसके बीवी बच्चे परेशान हैं, आज रहने को घर का सहारा भी नहीं है, आप लोग मदद करिए। KTR साहब, KCR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम, आपको तो ऊपर वाला बहुत कुछ दिया सर, भगवान बहुत कुछ दे दिया आपको, आप वो उसकी मदद करिए सर, ऑटो वाले की, उसका नाम शाहरुख है सर। आप छोटे मासूम बच्चे हैं, किराए के घर में रहता, आप ज़रूर पार्टी में 4-5 लोग हैं सर, उन लोगों की हेल्प करिए सर, हमारी नहीं करे नहीं करे सर। मैं डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ, मैं सुने सर, बहुत मेहनत करे साहब, मेरे आइडिया बंद हो गए पूरे, जितने आइडिया मैं तफसील से आया है, ये 7 गुम्बद है सर, 7 गुम्बद में बैठ के मैं आके सुकून से बैठ के मैं बोला KCR साहब तक हमारा वीडियो, KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम तक पहुंचना हमारा वीडियो, इससे पहले ही बनाया था साहब, वो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, इसीलिए आके मैं ये वीडियो बनाया। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपको बहुत बहुत सलाम दुआ प्यार सर, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए सर। पार्टी हारी नहीं सर, पार्टी आज भी जीती हुई है सर, गरीबों के दिल में रहने वाले सब इंसान जीते सर, मौका मिला एक जने को, रेवंत रेड्डी साहब को भी मौका मिला, उन्हें भी क्या करते क्या नहीं करते आवाम देखती, आप क्या करें क्या नहीं आवाम को मालूम है सब, सब कुछ अल्लाह चाहे तो अच्छा हो जाएगा सब। हम हमेशा TRS पार्टी में काम करने वाले हैं, TRS पार्टी में रहेंगे सर, जो पार्टी के लिए गरीबों के लिए काम करता हूँ उसके लिए ज़रूर ठहरे हुए हैं सर। अब तो हमारी उम्र है कि खिदमत करना, हम भी यही सोच के पार्टी में आए थे सर, खिदमत करेंगे लोगों की, गरीब की। KCR साहब, KTR साहब इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ भी जगह गरीबों को खाना खिला रहे, गरीबों को वजीफ़ा दे रहे, कपड़े दे रहे, लता सब कुछ दे रहे, किसी शादी मुबारक को पैसे दिए आप सब कुछ दे रहे, हर इंसान का फ़ायदा हो रहा था, हमारा नहीं हुआ तो नहीं हुआ हम, लेकिन गरीबों का तो फ़ायदा हो रहा ना सर, इसीलिए आप हमेशा दुआई देंगे सर वो गरीब लोग, लेकिन ये जो 3-4 लोग हैं सर, इन लोगों की मदद कर दीजिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, खुदा हाफिज़। ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुदा हाफिज़ सर। KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब, सबको सलाम, ईद मुबारक साहब, हमारे दिल में कोई भी ये नहीं है सर पार्टी की तरफ से, KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम बहुत अच्छे काम करें, इंशाल्लाह हमेशा अच्छे काम करेंगे, हमारे को उम्मीद है आप लोगों के ऊपर सर, खुदा हाफिज़ सर, नमस्ते सर।